नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा किए जा रहे साक्षात्कारों की श्रृंखला में आज आपके सामने मुखातिब होंगे ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में समाज में बहुत कम सोचा जाता रहा है, और एक अलग क्षेत्र को सोचें तो उस पर आम जन की कोई रुझान भी नहीं होता है। जिनसे मैं आपको मिलाने ले जा रहा हूं, आप नूर मोहम्मद साहब हैं और कलंदर समाज से हैं। इस पूरे समाज को हमारे अब तक के आम जन जीवन में सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता रहा है जहां वो किसी पशु जानवर से जुड़कर हमारा मनोरंजन करता आया है, लेकिन इनके जीवन के बारे में बहुत कम हम जानकारी मिलती है, समझने को मिलता है कि ये लोग कैसे जीते रहे हैं, क्या करते रहे हैं। तो इसी सब बातों को लेकर थोड़ा ऐसा लगा कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इन लोगों के बारे में हमें जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो आज हमारे बीच में हैं नूर मोहम्मद साहब। कलंदर साहब, आभार है आपका, आप आए। जी सर, बहुत बहुत। तो नूर मोहम्मद साहब, आप थोड़ा सा ये बताएं पहले जी कि क्या आप टोंक से ही हैं या आप कहीं बाहर से आए हैं, और कहाँ आपका बाल्यकाल बीता, किन परिस्थितियों में बीता, कहाँ आप रहे, थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दें। सर, कहने को तो आप टोंक का ही वासिंदा कह सकते हैं जी, लेकिन जिस टाइम पे जन्म हुआ उस टाइम पे मेरे पिताजी भालू का खेल तमाशा करने की गरज से एक गाँव से दूसरे गाँव जाया करते थे। ठीक है। तो इसलिए पिताजी ने बतलाया कि रामसर तहसील में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ। ठीक है। दादाजी करीब में एक तुर्की डारेड़ा गांव में रहते थे, और मुझे पढ़ने के लिए दादाजी के पास में छोड़ दिया गया। ठीक। कक्षा 4 तक मैंने वहां रहकर पढ़ाई की जी, और उसके बाद में पिताजी ने फिर मुझे अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। ठीक है। और वो भालू का खेल तमाशा दिखाना जिसमें मम्मी बहनें भाई हम सब लोग साथ में रहते थे। ठीक है। और घोड़ा घोड़ी गधों पर अपना सामान रखते। अच्छा। एक गांव से दूसरे गांव जाते, भालू का खेल तमाशा इसे दिखाते। आप घुमंतू प्रवृत्ति के लोग बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरह से कालबिलिया नट जोगी बंजारे जी और भी घुमंतू जातियां हैं, उसी तरह से हम लोगों का भी जीवन था। ठीक है। लेकिन ये घुमंतू लोग एक वर्ष में 9 महीने तक घूमते हैं। अच्छा। और जब बरसात के 3 महीने होते हैं तो ये सब लोग किसी गांव में जमा होते हैं, बस जाते हैं, बस आ जाते हैं। इसी तरह से हमारे लिए ये टोंक था जी कि यहाँ पर हमारे उस टाइम पे 70-80 परिवार थे। अच्छा। जो अपने अपने रूट से अलग अलग दिशाओं में जाते जी, और बरसात के मौसम में वापिस टोंक आ जाया करते थे। ठीक है। उसका एक कारण ये भी था कि किसी को शादी करना है जी जी जी, कोई आदमी का मृत्यु का भोज करना है, सगाई करना है, या आपसी लड़ाई झगड़े के फैसले निपटाना है जी, ये सारे कार्य घुमंतू समाज में उसी टाइम पे हुआ होते थे, उसी टाइम पे हुआ करते। ठीक है। तो 3 महीने एक जगह रहना और 9 महीने तक सफर करना जी। और पिताजी के साथ रहते रहते भालू का खेल तमाशा करना सीख लिया। अच्छा। और हमारी समाज में कुछ लोग मदारी का मैजिक शो भी करते हैं। ठीक है। चचा जी वो काम करते थे तो काफी दिन तक चचा का जमूरा रहा। अच्छा। चचा जी जाल में बंद कर देते हैं। हाँ। और फिर गायब कर देते हैं। अच्छा। तो फिर वो कला सीख ली, उस कला को करते रहे, समाज में बदलाव आता रहा जी। 80-85 के आसपास में एक संकट पैदा हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग पूछने लगे कि भालू का लाइसेंस दिखाओ। अच्छा। क्योंकि अब भालू का लाइसेंस हमारे पास में था नहीं। ठीक है। अब वो कहते हैं कि साहब 1972 में नया कानून बन गया, आप इसकी नाक में रस्सी डाल के खेल तमाशा नहीं दिखा सकते हो। अच्छा। तो वो समाज में एक डर पैदा हुआ हुआ। कोशिश की उस टाइम पे जयपुर के अंदर वन विभाग में सांकला साहब बड़े अधिकारी थे। ठीक है। उन्होंने 6 लाइसेंस इशू भी किए, उसके बाद में उन्हें रिन्यू नहीं किया। उसके बाद में ओपी माथुर साहब से मैं खुद जाकर के मिला और दिल्ली तक भी गए जी, लेकिन लाइसेंस नहीं बन पाए जी। उसके दो कारण के, एक तो हमारा समाज संगठित नहीं, बहुत अच्छी अनपढ़ था और कोशिश नहीं की,
फिर ये सिलसिला जब बढ़ने लगा तो हम लोगों ने अपने बच्चों को एक जगह रखा और आदमी आदमी जाते कि कहीं पकड़ ले तो अपन ट्रक में या कहीं साधन से निकल जाए। ठीक है। तो 90 के आसपास में कुछ लोग मतलब क्या है अपने बीवी बच्चों को छोड़ने लगे और आदमी आदमी सफर पे जाने लगे। उसके पीछे कुछ लोगों की सोच ये भी थी कि भाई बच्चों का भी पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, ये सोच पैदा हुई। अब 96-97 में क्या हुआ कि एक एनजीओ आया दिल्ली से, वाइल्ड लाइफ SOS के नाम से। एक मिनट थोड़ा सा मैं रुकूंगा क्योंकि संदर्भ रह जाएंगे जी जी, जो आम जानकारी के लिए थोड़े जरूरी हैं ऐसा लगता है मुझे। जी जी, यहाँ बात ये आ रही है कि ठीक है, पारिवारिक परिवेश ऐसा था और आप इसे व्यवसाय ही कहेंगे जी जी, आप उससे जुड़े और आपने सब सीखा समझा देखा और उसको प्रैक्टिकली भी किया जी। लेकिन थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि ये रहता है कि ये भालू मिलते कहाँ से थे आपको? ये भालू तो अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा तो आबू में है। अच्छा। सवाई माधेपुर में है। ठीक है। कोटा डिस्ट्रिक्ट चेचट की नाल और दर्रा में है। तो जब चने में फूल लगता है, अच्छा, चैत बैसाख का महीना आता है, ठीक है ठीक है, उस टाइम पे ये बच्चे भी आती हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे हमारे बुजुर्ग लोग समाज के उस एरिया में जाया करते थे। अच्छा। और उस एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं जी, जी। आदिवासी, हाँ हाँ, जिनका वास्ता हमेशा जंगल से पड़ता है तो उन लोगों को सब चीज की जानकारी होती जी जी जी, तो उनकी मदद से या कभी वो बच्चे लिया करते थे तो उनसे वो बच्चे हम खरीदने होते हैं, खरीद लिया करते थे। अच्छा, अंदाजन कितने में आ जाता था ये? उस टाइम पे तो इसकी मतलब कोई एक बार मेरे को भी अवसर मिला तो 125 रुपए का लिया एक आदिवासी से। ठीक है। तो उस टाइम पे इनकी कोई वो कीमत नहीं थी। इसकी कीमत कलंदर समाज में जब होती थी कि कलंदर समाज इसको पढ़ाता था। अच्छा। और इसको सिखाता था। जिसका भालू जितने बढ़िया आइटम करेगा उसकी उतनी ही ज्यादा वैल्यू होगी। तो इस इन भालू की शिक्षा जी के बारे में कुछ बताइए। भालू को लाने के बाद में 3 महीने तक तो टोकरे में ही रखा जाता है, बंद टोकरे में रखा जाता है। खाना पीना देते वक्त ही उसको निकालते हैं। अच्छा। और 3 महीने के बाद 3 महीने तक उसकी चमक भड़क निकालने के लिए उसको घुमाया फिराया जाता है। अच्छा, रस्सी से बांध के। अब 6 महीने का अगर भालू जद हो जाता है जी, तो गुदड़े सीने की सुई से उसकी नाक में बारीक सी डोरी डाली जाती है। हाँ। ठीक है। और उसमें हल्दी लगाई जाती है। हाँ, इन्फेक्शन ना हो। हाँ जी। हर महीने के अंदर उस सूत की डोरी के अंदर थोड़ा थोड़ा मोटापन डालते हैं। और अब 6 महीने के बाद में भालू की प्रैक्टिस शुरू होती है। अच्छा। कुछ समाज के लोगों का मानना है कि भालू को सिखाने से पहले भालू को 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलाना चाहिए। अच्छा। जब वो थोड़ा चलता है और जब उसको थकान महसूस होती है तब उसको आइटम सिखाने में उसकी समझ बनती है। अच्छा। तो उसको भाई भालू जंगल में मिल जाता है तो आदमी पर किस तरह से हमला करता है, बिल्कुल ये सिखाया जाता था। शिकार की तलाश में कैसे चलता है जी, ये सिखाया जाता है। किसी भाई की नई शादी होती है, नया पति पत्नी लेने जाता है जी, जी। लाडा जी लाडी लेने जाता है जी, जी, जी। बींद बींदनी लेने जाता है। कई तरह की बोलियों के अंदर लोगों को मनोरंजन के साथ में, तो फिर वो घुटनों के बल अकड़ करके बैठ जाता है। अच्छा, इस तरह से बैठता है। कोई संकेत देते होंगे? हाँ, बस थोड़ा सा शुरू शुरू में तो वो संकेत होते हैं लेकिन फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा। कि वो डमरू की तान से और हमारा थोड़ा सा झोंक होने से ही वो भालू ये समझ, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझने लगता है बराबर, क्योंकि वो दिन भर मतलब काम करता रहता है धीरे धीरे, तो वो उसका स्वभाव बन जाता है और इतने बारीक इशारे को समझता है कि कोई पब्लिक का आदमी उसको जज नहीं कर सकता है। ठीक है। हाँ। कि कलंदर ने भालू को क्या इशारा किया। अब सवाल पूछने के लिए भालू से कि भाई तू जंगल में आदमी मिलेगा तो क्या उसको जिंदा छोड़ देगा? तो भालू गर्दन हिलाएगा, सही है। जंगल में कोई आदमी आएगा तो उसका शिकार करेगा तो भालू गर्दन हिलाएगा। ठीक है। वो इशारे समझता है, इशारे में वो समझ जाता है। अब फिर उसको भालू को दो पैर पे चलना कि भाई ससुराल में जाएगा, बींद बींदनी लेने जाएगा, जमाई जी ससुराल में जाएगा। ठीक है। तो वो दो पैरों में चलता है, चलकर वो अपने स्टैंड पर खड़ा हो जाता है। ठीक है।
फिर हंसाने के लिए लोगों से कहते हैं कि भाई भालू जी आज रुक जाओ, आज आपकी सासू जी कह रहे हैं खीर पूड़ी खाओ और अपनी पत्नी को कल ले जाना। भालू गर्दन हिलाएगा नहीं, अच्छा अच्छा मैं तो आज ही लेकर जाऊंगा। फिर उसको कसम देंगे भाई तू नहीं रुके तो तुझे मेरी कसम, भालू इनकार करेगा। माँ बाप की कसम, फिर भालू इनकार करेगा। फिर नहीं मानेगा तो तेरे को तेरी लाड़ी की कसम। क्या बात, तो भालू झटके से बैठ जाएगा। इशारों में अब लोग बाग उससे हंसेंगे, लोगों का मनोरंजन होता है। फिर बात को बढ़ाने के लिए माँ बाप प्यारे नहीं है, सही है सही है। फिर शराबी की नकल, हाँ तो कोई आदमी अगर पाव भर पिए या अद्धा पिए तो मजा नहीं आता है, दो बोतल पीता तो कितना मजा आता है। तो भालू खड़ा होकर के लहरा कर चलेगा और फिर गिर करके लौटेगा। फिर उसी में बच्चे को गोदी में कैसे खिलाते हैं, तो भालू दो पैर से खड़ा होकर बच्चे को खिलाना। इन पे इनकी खुराक पे कितना खर्च हो जाता होगा एक दिन में? इनकी खुराक, इनकी खुराक पर सर ऐसा है कि एक भालू सुबह शाम के अंदर 2 किलो उसको आटा चाहिए चाहिए 2 किलो आटे की रोटी। अच्छा, रोटी खा लेता है, रोटी खा लेगा। अब इसके अलावा भालू को 1 लीटर दूध, अच्छा आधा लीटर सुबह आधा लीटर शाम को, ठीक है। अब खाने को तो ये मतलब मिठाई फल फ्रूट सब चीजें खाता है, अच्छा। जो इंसान खाता है, और जंगल के अंदर ये शिकार करके उसका मांस नहीं खाता, अच्छा। लेकिन ये जो कीड़ी होती है और उदई होती है जो जमीन में से निकलती है, दीमक कहते हैं जी, हाँ जी, उसके बड़े बड़े लड्डू रहते हैं, तो ये भालू उसमें फूंक मारकर सीधा और मुंह जमाकर उल्टा सांस खींचता है, तो वो कीड़ी मकोड़ी और उदई इसके पेट में चली जाती है। बस मांस में ही अपने देसी भालू यही चीज खाते हैं, और जो विदेशी अफ्रीका के भालू हैं वो तालाब में मच्छी पकड़ करके भी खाते हैं, वो पोलर भालू होते हैं। ऐसा कुछ कहा जाता है इनके बारे में कि ये रक्त चूस लेते हैं आदमी का या ऐसा कुछ? नहीं, ये तो ये सिर्फ धारणा ऐसी है या सच्चाई है? नहीं, कुछ बातें ऐसी बनी हुई है, शिकार करने के बाद में ये इंसान को डरा भी देते हैं, और कई कई बार लोगों ने सुनाया कि भालू मिल गया, भालू ने झपट्टा मारा, इंसान को जख्मी करा जी, जी। लेकिन रक्त पीने का और मांस खाने का हमें कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता है, अच्छी जानकारी है। और कुछ लोग कहते हैं ये भालू पेड़ पर उल्टा चढ़ता जी, है हाँ, जी हाँ ये भी है। तो उसमें क्या है कि ये भालू अगर सीधा तना पतला है तो उस पर सीधा चढ़ेगा, ठीक है, और इसको मुड़ने की जगह नहीं है तो ये उसी तरह से उतर जाएगा, ठीक है। और अगर बड़ा पेड़ है बड़का और वो चढ़ गया और उसको घूमने की जगह मिल गई तो फिर वो नीचे सर करके भी उतर सकता है, उतर सकता है। तो ये दोनों तरह से ही भालू पेड़ पे चढ़ उतर सकता है। तो अब अपन वापस लौटते हैं अपने मूल प्रश्न पे कि किस उम्र तक आप इसका तमाशा दिखाते रहे? मैं 2006 में अपना भालू मैंने जो है वो जमा कराया, ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट ने कुछ दिया उसका? उस टाइम पे एनजीओ जो था वाइल्ड लाइफ एसओएस ने एक भालू के ऊपर भालू वाले को 50,000 रुपये का अच्छा मुआवजा दिया, ठीक है। और भालू की संख्या बहुत कम हो गई थी, जिसका भी भालू मर जाता वो नया भालू लाता नहीं, सरकार का काफी डर था, डर। तो टोंक में किसी टाइम पे 40 भालू रहते थे, अच्छा। अब घटते घटते इनकी संख्या 2006 में सिर्फ 6 रह गई, अच्छा। तो वो 6 भालू हम लोगों ने साथ में ही जी जी मेरा खुद का भालू जिसका नाम के मेरी बड़ी बेटी का नाम रूबीना है उसी पे मैंने रूबी रखा था, अच्छा। इस टाइम भोपाल में है, है हाँ, भालू वन विहार में इंक्लोजर नंबर 2 के अंदर मेरा भालू। अभी आप जाएं तो पहचान लेगा वो? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, इसको पहचान लेगा बराबर। और सर उस टाइम पे क्या है कि कुछ भालू को लेके जब हम जाया करते थे तो कुछ लोग बच्चों को भी भालू पे बिठाया करते थे, ये प्रथा थी, प्रथा थी। और कुछ इसका वाक्य रामायण में भी आता है कि भालू जामुवंत का रूप है, हाँ हाँ, और जामुवंत में 70,000 हाथियों का बल था, अच्छा। और जामुवंत के वचन सुन के ही हनुमान जी लंका में गए थे, ठीक है। जब रामायण में पाठ आता है कि हाँ। जामुवंत के वचन सुवारे सुन देव हनुमान जी ललकारे, सही है। श्री कृष्ण भगवान की दूसरी पत्नी रुक्मणी के बाद में हाँ। जामुवंत की बेटी थी, अच्छा। तो कुछ लोगों की मान्यता थी, कुछ ताबीज लेते थे, बच्चों को बिठाते थे। अगर कोई भालू आपके पास जीवित रहते हुए खेल दिखाते हुए मर जाए जी, तो क्या उसकी बॉडी से कोई चीज ऐसे उत्पाद मिलते थे जो आपके आर्थिक उसको सपोर्ट करते थे या बिल्कुल नहीं होता था?
भालू हमारे जीवन के अंदर ऐसा था कि बच्चा जन्म लेगा, सही है सही है सही है, और इंसान मरेगा, उसके बीच में कहीं भी हमारे समाज को पैसों की जरूरत है, हाँ। तो वो भालू के जरिए से आता है। अच्छा, तो इसलिए हमारे समाज में मरने के बाद में भालू के शरीर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाती। नहीं नहीं होता ना कि वो कहीं ताबीज बिकते हैं भालू के, भालू के नाखून है, भालू के बाल जी और नाखून जब वो जिंदा रहता है उस टाइम पे जैसे अपने नाखून बढ़ते हैं वैसे बढ़ते हैं, सही है, तो भालू के हम नाखून काट लेते थे। अच्छा, लेकिन मरने के बाद में उसकी नाखून या खाल कोई मांगते भी थे कि साहब हमें भालू की खाल चाहिए, हाँ, कभी ला देना, लेकिन मरने के बाद में उसकी डेथ बॉडी के साथ में हम लोग किसी भी तरह की तो उसे दफनाते थे या उसको गड्ढा खोद करके, अच्छा, और दफनाते थे और उसमें नमक भी डाला करते, हाँ, गलने के लिए, गलने के लिए हमारे बुजुर्गों से मान्यता थी। तो क्या उसकी डेथ के बाद भी कोई सोशल फंक्शन भी करते थे या नहीं? नहीं, सोशल फंक्शन तो ये कि समाज के अगर चार लोग हैं और चारों के पास में भालू है और हम लोग मध्य प्रदेश में हैं और है। किसी का अगर भालू की डेथ हो गई, हाँ, तो अब उसको वो तीन बंदे उस भालू वाले को धंधे पानी में सहयोग करेंगे, पार्टनरशिप, अच्छा, में घूमेंगे। बहुत अच्छी बात, ये हमारी परंपरा थी जब तक वो टोक में ना आ जाए, मतलब समाज में एक तरह का एक 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 पॉजिटिव सोच थी बहुत, एक दूसरे के लिए जो दिखाई कम देती, बहुत है। कम देती है सर। तो साहब जब ये प्रतिबंध आ गया सरकारी और आपने भी सरेंडर कर दिया अपना भालू, तो उसके बाद फिर आपके आजीविका को लेकर संकट तो खड़ा हो गया होगा। ये 1997 में जब वाइल्ड लाइफ SOS वाले टोंक आए जी, तो उस टाइम पे उनसे कोई कलंदर समाज के लोग बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे, ठीक है, अनपढ़ थे, इसलिए समझते थे कि ये मेनका गांधी के लोग हैं, हाँ हाँ, और हमसे बात करके हमारे भालू छिनवा लेंगे, छिनवा लेंगे। जब वो टोंक में आए तो पहले मेरी उनसे तकरार हुई। कौन थे सज्जन वो? एक तो उनमें कार्तिक सत्यनारायण थे, अच्छा, और एक गीताजी मैडम है, ठीक है, जो किसी कॉलेज में प्रिंसिपल है। तो वो टॉप में जब आए और वो भालू के फोटो खींच रहे थे तो मेरी उनसे तकरार हुई पहले कि साहब हम तो वैसे ही परेशान हैं, हाँ, और आप फोटो खींचोगे छापोगे फॉरेस्ट वाले, तो फिर उन्होंने कहा कि आप कलंदर समाज से हो? मैंने कहा हाँ, कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उनकी हमारी बातचीत हुई, फिर उन्होंने हमसे कहा कि देखो हम आपके मदद करने के लिए आपके पास में आए, नियम ऐसे बन गए कि आप भालू रख नहीं सकते हो, ठीक है, और अगर आप भालू जमा कराओ तो हम आपको इसके बदले में दूसरे रोजगार से जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कई दौर की उनके साथ में मेरे साथ में उनकी मीटिंग हुई, फिर एक बार उन्होंने कहा कि कुछ BBC लंदन के मीडिया वाले आएंगे नूर भाई, ठीक है, और आपके टॉक में इंटरव्यू लेना है, ठीक है। मैंने आसपास में कुछ अपने साथी थे तो 8 भालू हम लोगों ने जमा किए, ठीक है, उन्होंने कैमरा लगा करके इंटरव्यू लिया, मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने 3 प्रश्न मेन पूछे, उनका सबसे पहला प्रश्न था कि आपका भालू से लगाव कैसा है, हाँ, ठीक है। मैंने कहा कि सर हमारा भालू से लगाव ऐसा है जैसा एक बाप का लगाव बेटे से होता है। अगर मेरा बेटा और मेरा भालू बीमार हो जाएगा तो मैं पहले ये अपने भालू का इलाज कराऊंगा, ठीक है, और दूसरे रोज कमा के अपने बेटे का करा सकता हूँ, बिल्कुल सही। उनका दूसरा प्रश्न था कि अगर सरकार आपसे ये भालू छीन ले तो आप क्या करोगे? क्या करोगे साहब? हमारे पास खेती की जमीन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, ठीक है, किसी धंधे का हमें नॉलेज नहीं है, सरकार अगर ऐसा जुल्म हम पे करती है तो हम में से कुछ लोग रोड पे बैठ के भीख मांगेंगे, कुछ लोग चोरियां करेंगे, सही। तीसरा उनका प्रश्न था कि सरकार अगर आपसे भालू ले तो आप किस शर्त पे उनसे समझौता करना चाहोगे? ठीक। हमने कहा कि हम लोग भी भालू नचाकर खुश नहीं हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप दादा दादी टोंक में हैं, ठीक है, मैं कमाने के लिए मध्य प्रदेश चला गया, उनकी डेथ हो गई तो मैं मैयत में शामिल भी नहीं हो सकता हूँ, सही। अगर सरकार चाहती है कि वो हमारे से भालू ले तो हमें इतनी जमीन दे के जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, सही,
या सरकारी वो छोटी से छोटी नौकरी दे हमें चपरासी की, जिससे हम अपने परिवार का पेट भर सकें, बिल्कुल ठीक, तो हम खुशी खुशी से भालू सरकार को दे देंगे। फिर उनसे सिलसिला बढ़ा और आगरा में उन्होंने भालू संरक्षण केंद्र बनाया, मथुरा में बनाया, बेंगलोर कर्नाटक में बनाया, भोपाल में बनाया, और भारत के जितने भी डांसिंग भालू हैं वो SOS ने जमा किए और उसके बदले में 50,000 रुपया दिया। और पुनर्वास की योजना के तहत आज टोंक में उनका एक कार्यालय चलता है। अच्छा। जिसमें कलंदर समाज की बच्चियां काम सीखती हैं। ठीक है। कलंदर समाज का सिलाई मास्टर है, कलंदर समाज की बच्ची सिलाई मास्टर है। ठीक है। और प्रत्येक बच्ची की शादी में उनकी तरफ से 5,000 रुपए की मदद होती है। ठीक है। पूरे ही राजस्थान में छोटे मोटे धंधों के लिए साल भर में 10-15 लोगों को वो रोजगार के लिए भी मदद देते हैं। ठीक। एजुकेशन पढ़ाई के लिए वो लोग प्रति वर्ष जहाँ कलंदर समाज रहता है उन बच्चों की किताबें, कॉपियाँ, बैग उनकी तरफ से देते हैं। ठीक है। उनसे जब मैं जुड़ा जी तो फिर उन्होंने विचार किया कि नूर भाई क्या हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को भालू का मुआवजा मिला ठीक है उसमें से कुछ लोग दूसरे धंधे में नहीं ढल पाए, क्योंकि 40-50 साल का कलंदर जिसे धंधे का नॉलेज नहीं है। तब एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि परिवर्तन समाज में कैसे आएगा, तो मैंने कहा साहब अब ये जो पकी हुई हांडी के तो गार लगेगी नहीं साहब। सही कह रहे हो। अब जो बच्चे हैं नई उम्र के उनको सिखाया जाए, उनके लिए कोई काम तलाश किया जाए, तो उन्होंने कहा कि नूर भाई टोंक में कोई काम देखो जो टोंक से शुरू करो और टोंक के बच्चों को अपन जोड़े। ठीक। उस टाइम पे कुछ समाज के दो बच्चे आरा तारी का काम सीखने जाते थे, फिर उन्होंने आरा तारी का यहाँ वर्कशॉप चलाया। ठीक है। जिसमें बच्चों को 600 रुपया स्टार्ट से दिया, सामान दिलाया, मास्टर रखा। ठीक है। तो काफी लोगों ने वो सीखा, सिलाई सेंटर चलाया, वो काम सीखा, आज भी उनकी तरफ से वो कार्यालय चल रहा है। सर क्या लगता है आपको कि अगर आज भी आपको भालू दे दिया जाए तो आप कितना प्रतिदिन कमा सकते हैं और एक दिन में कितनी जगह शो कर सकते हैं? कमाने का तो सर ऐसा है कि आज की तारीख में अगर भालू दिया जाए तो आमदनी अच्छी खासी हो सकती है। मतलब आपका कहना है कि लोगों का रुझान जैसा था अब भी वैसा ही अब भी है, लोगों को जिंदी कला देखना। ठीक ठीक कहा भाई। आज अगर यहाँ पे कोई फिल्मी आर्टिस्ट आ जाता है, चाहे रोज टीवी में देखते हैं लेकिन उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है, चार्म रहता है। हाँ। लेकिन हर चीज का कोई एक महत्व होना चाहिए। सही है। हम जिस टाइम पे कला बतलाते थे उस टाइम ग्रामों में कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे। हाँ यही था, बच्चे बूढ़े सभी देखते थे, तो उस वक्त पे गांव वालों की भी जरूरत थी कि मनोरंजन का साधन आए। सही है। हमारी भी जरूरत थी अपना परिवार पालने की, और हम ही नहीं घुमंतु और भी जातियाँ, सबसे ज्यादा घुमंतु जातियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। अच्छा, कितनी जातियाँ होंगी अंदाज़े? राजस्थान के अंदर 40-42 जातियाँ तो मेरे ध्यान में हैं। अच्छा। जिसमें से 32 जातियाँ तो सरकार के रजिस्टर में हैं। ठीक है। और कुछ जातियाँ अभी उसमें जुड़ नहीं पाई है। हम लोग घुमंतु हैं लेकिन सरकार हमें घुमंतु नहीं मानती। अच्छा। क्योंकि 1964 में जब वो घुमंतु जातियों को लिखा गया उस टाइम पे हमारी कोई पैरवी करने वाला नहीं था। अच्छा। इसलिए आज भी मुस्लिम घुमंतुओं को सरकार घुमंतु नहीं मानती। ये तो बड़ी कमी है, जबकि हमारा जीवन घुमंतु है। हाँ, हाँ। खेल तमाशा करते हैं। बिल्कुल। राजस्थान में सबसे ज्यादा घुमंतु होने का कारण बतलाते हैं कि यहाँ रजवाड़े बहुत ज्यादा थे। सही है। और जब रजवाड़े जाता थे तो घुमंतु लोग अपने काम को राजाओं में पहले बताते थे। हाँ, थोड़ा सा सहयोग मिलता था, आर्थिक भी, मान सम्मान भी मिल जाता वो था। फिर राजा ने देख लिया। हाँ। महीने भर का राशन पानी दिया। हाँ। और कहा कि भाई एक महीने तक मेरी प्रजा को आप दिखाइए। हाँ। तो काल बेलिया, भांड, सपेरा, भेरूपिया, मीरासी ये जातियां जो हैं, कठपुतली वाले, ये राजस्थान के अंदर घूम के लोगों का मनोरंजन कर। सही। आपके जीवन से कुछ और बातें भी हैं जो बहुत जरूरी है इस इंटरव्यू में आ जाना। जी। लोगों ने कैसे समझा इस बात को? आप में ऐसी क्या काबिलियत देखी कि
सुना है बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आपसे जुड़ी, जिसमें विशेष नाम अरुणा रॉय का आता है, निखिल डे का आता है, तो उनके बारे में बताएं कैसे आप वो आप तक आए या आप उन तक गए और क्या रहा? 1992 की बात है जी। मैं और मेरा एक साथी भालू वाला और एक मैजिक शो करने वाला जी, हमने एक गांव में शाम को इकट्ठा होना था। तीनों साथी अलग होकर अपना अपना खेल तमाशा दिखा रहे थे। मैं खेल तमाशा दिखाकर बैठा था तो निखिल डे और शंकर जी आए। अच्छा। दो तीन उनके साथ में अन्य साथी थे। ठीक है। वही आम बात, भालू कहाँ से लाते हो? हाँ। क्या खिलाते हो? ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि भालू वाले भैया, हम पास में एक महिला दिवस मेला लगवा रहे हैं। अच्छा। तो आप अपने भालू का खेल वहाँ दिखाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने कहा ठीक है, सब दिखाएंगे। ठीक है। क्या लोगे? हमने कहा साहब 200 रुपये। तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो न्यूनतम मजदूरी पे काम करते हैं। अच्छा। जो फैमिली में गांव का आदमी अकाल राहत कार्य का काम करता है उतने में ही काम करते हैं। अच्छा। तो मैंने मन में भी विचार आया कि आसपास के गांव में पब्लिक नहीं रहेगी, मेले में आ जाएगी। हाँ। तो चलो मेले में दिखाते हैं। यही ठीक है। हाँ। तो वो दो मजदूरी मेरी और एक भालू की तय हुई और मैं मेले में ठीक है चला गया। अब जहाँ मेरी बात हुई और मेले तक मेरे मन में जो विचार आए वो उनके प्रति सही नहीं आए। ठीक है। क्योंकि वो भी उस टाइम पे 25 साल के थे और मेरी भी यही उम्र रही होगी। मैंने कहा ये रावतों के गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, क्या पता क्या इनका काम है। ठीक है। लेकिन जब मैं मेले के स्थान पे पहुंचा तो वहाँ मैंने वो चीजें देखी जो मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखी। ठीक है। वहाँ मार्केट की आधी रेट से सामान मिल रहा था। अच्छा। वहाँ भजिए बनाने वाला, जलेबी बनाने वाला, कुल्फी बेचने वाला, फल फ्रूट सब आधी रेट में। तो मैंने पूछा भाई ये क्या है? कैसे? तो किसी ने बताया कि ये संगठन वाले ही दुकान लगाते हैं। वेरी गुड। और ये सस्ते में ही चीज बेचते हैं। फिर मेरा साथी भी आ गया, अरुणा राय जी भी आई। वहाँ उन्होंने अपनी जो बातें बतलाई और महिला दिवस क्यों मनाया जाता उसके पीछे की बात, ठीक है, एक शराब का ठेका था उसकी बात, लोगों की पूरी मजदूरी मिले, अकाल के टाइम पे लोगों को काम के लिए मिले, इस तरह की जब बातें की तो मेरे को वो बातें बहुत अच्छी लगी। उस कार्यक्रम में कलेक्टर साहब का भी प्रोग्राम था आने का, कलेक्टर साहब भी आए। तो मैंने निखिल डे जी से कहा, मैंने कहा सर हमारे को कलेक्टर साहब का प्रमाण पत्र दिलवाओ। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा प्रमाण पत्र, मैंने कहा आपका तो नहीं चाहिए साहब। ठीक है। जब तक मुझे मालूम नहीं था कि ये कितने बड़े लोग। खैर वो चले गए, लेकिन मैं उस रोज सारी रात सोचता रहा। 2006 में भालू जमा कर दिया, SOS से जुड़ गया और सामाजिक कामों में भागीदारी लेने लगा। SOS ने कुछ मदद की तो 3 बार समाज के सम्मेलन करवाए। ठीक है। स्कूलों में आना जाना होने लगा। टोंक में एक तरक्की आई फाउंडेशन NGO है जो शिक्षा पे काम करता। ठीक है। तो उन लोगों के साथ में मैं जुड़ गया। तो उन्होंने एक बार फोन करके जहीर भाई ने कहा कि नूर भाई आज टोंक की स्कूल के अंदर एक बहुत बड़ी हस्ती आ रही है और आपको कुछ जिम्मेदारी संभालना है। ठीक है। मैंने कहा सर कौन आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि शैलेश गांधी और निखिल डे जी आ रहे हैं। अच्छा। तो आपको पब्लिक लाना है, टेंट लगाना है। ठीक है। और इस स्कूल को 12वीं तक करवाने की जो आप बार बार कहते हो कि साहब हमारे घुमंतु समाज के बच्चा बच्ची आगे नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है। तो इस मुद्दे को रखना है। फोन रखने के बाद में मुझे याद आया कि एक बार निखिल डे जी से अपन मिले हैं। अब ये निखिल डे जी वो हैं या दूसरे हैं? ठीक है। मैंने दोबारा जहीर भाई को फोन किया। मैंने कहा इधर ब्यावर के आगे भीम क्षेत्र में इनका काम चलता है क्या, निखिल डे जी का? तो उन्होंने कहा कि हाँ उसी क्षेत्र में काम करते हैं। मैंने उनके लिए व्यवस्था की। जब वो टोंक आए फिर मैंने निखिल डे जी को याद दिलाया। मैंने कहा 1992 में भीम के पास बरार गांव के पास में महिला दिवस पे मैंने भालू का खेल दिखाया था। ठीक है। उन लोगों ने मुझे गले लगाया, कलेक्टर के यहाँ लेकर आए। उस टाइम पे उनका प्रोग्राम राजस्थान में 100 दिन यात्रा निकालने का अच्छा बन रहा था। तो उन्होंने कहा नूर भाई आप भीम आओ। ठीक है। क्योंकि स्कूल में जब मैंने कुछ बातचीत की और अपने समाज के बारे में बताया, 12वीं तक स्कूल को करने की मांग की,
तो आप भीम आओ। ठीक है, मैं भीम गया तो वहाँ काफ़ी लोगों से उन्होंने परिचय कराया। अरुणा राय जी मेरे पास में बैठी थी। निखिल डे जी ने कहा अरुणा राय से कि ये जो आपके पास में बैठे इनको पहचानो, ये कौन है। अच्छा, अरुणा राय जी ने देखा और देखकर कहा कि भैया मैं तो आपको जानती नहीं। हाँ। तो निखिल डे जी ने कहा कि ये तो आपको जानते हैं। हाँ। कि भैया आप मुझे कैसे जानते हो। फिर मैंने उनको वो बाणी में वाली बात याद दिलाई। ठीक है, अब उस टाइम पे उस यात्रा में उनको कोई ऐसे आदमी की तलाश थी जो मैजिक शो या बातों के जरिए पब्लिक को जमा करे। सही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम 100 दिन की यात्रा निकाल रहे हैं नूर भाई, आप हमें टाइम दो। मैंने कहा सर मैं 18 तारीख का काम करता हूँ और इसी से गुजर बसर होता है। हाँ, सही है। और एक जिले में आपकी यात्रा 3 दिन रहेगी तो टोंक जिले में 3 दिन तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन 100 दिन तो ठीक है। फिर वो यात्रा आई तो मैं 3 दिन उनके साथ में रहा। ठीक है, 100 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद में उन्होंने जयपुर में शहीद स्मारक पे धरना दिया 22 दिन का। ठीक है, फिर मुझसे संपर्क किया कि यहाँ आप धरने में आओ। मैं अपने साथियों को लेके धरने में गया। कई बार मैंने अपने वहाँ पे धरने में विचार रखे। उसी टाइम पे फेलोज बनाना थे 55। ठीक है, तो निखिल डे जी ने कहा कि नूर भाई को भी जोड़ो, ये सामाजिक काम कर रहे हैं। ठीक, तो फिर उन्होंने मुझे लोकतंत्र शाला की मार्फत फेलोशिप दी जो अभी जून तक चलेगी। ठीक, अभी मैं उनका फेलोज हूँ। और घुमंतु विकास मंच करके मैंने अपना एक संगठन बनाया जिसके ऊपर घुमंतुओं के ऊपर, क्योंकि घुमंतुओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज भी उनके पास में रहने के लिए मकान नहीं है, शिक्षा से भी काफ़ी दूर है, आर्थिक राजनीतिक स्थिति बिल्कुल नहीं है। तो उनके ऊपर संगठन बना करके मैं आज भी घुमंतुओं पर काम कर रहा हूँ। ठीक, तो इस सिलसिले से मेरा अरुणा राय और निखिल जी से मिलना हुआ। ठीक है, ये एक सर्टिफिकेट देख रहा हूँ मैं आपके पास, जरा दिखाइए इसको। ये वाइल्ड लाइफ के संरक्षण को लेकर है जैसा मैं समझ ये पा रहा हूं। जब मैं टोंक में रहने लगा जी, और टोंक का जो ऑफिस है अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन जी, तो जयपुर से एक बार मीटिंग रखवाई जी टोंक में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नूर भाई आप टोंक के अंदर अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन है तो देवेंद्र जी की मदद ले लीजिए। ठीक है, शिव शिक्षा समिति है, हाँ हाँ, चाइल्ड लाइन है, उनकी मदद लेके एक प्रोग्राम रखो। ठीक, जिसमें निखिल डे जी तो नहीं लेकिन कमल जी और एक दूसरे साथी टोंक में आए थे। ठीक, तब मैं अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन में आया और मेरा जुड़ाव अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन से हो गया। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आप खुद अशोक सक्सेना जी, अचूत ठाकुर जी, राजकुमार जी, इन लोगों से मेरा संपर्क हुआ, यहाँ पे बन गया, इन लोगों से मेरा यहाँ पे रहने से संपर्क बन गया और फिर यहाँ अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन में आना। ठीक, तो मुझे एक एनजीओ वाले ने कहा, जीव विविधता का दिन था, उस वर्ष में एक बार आता है जीव विविधता, तो उनका प्रोग्राम उस दिन टोंक जिले में था, बीसलपुर में। ठीक है, तो हमारे एक मित्र हैं दादू पर्यावरण चलाते हैं वो, हाँ हाँ, उन्होंने कहा कि नूर भाई कुछ ऐसा नाटक के माध्यम से लोगों को समझाओ। ठीक, तो उसी टाइम पे हमारे बच्चे ने मुझे एक वीडियो बताई, बिहार के अंदर एक भालू गांव में आ जाता है और लोग उसको मारते हैं। अच्छा, तो वो वीडियो हमारी समाज के सब लोगों ने देखी। ठीक है, क्योंकि वो भालू से लगाव था। हाँ, और मन भी दुखी हुआ कि देखो भालू को किस तरह से मार रहे हैं, तो उसी पे मैंने नुक्कड़ नाटक बनाया। ठीक, और जीव विविधता में बतलाया काका जी का परिवार है, काका जी बाड़े में जाते हैं, मई जून का महीना है, पानी का संकट है, भालू गांव में आता है, खेली पर पानी पीता है, काका जी उससे डर जाते हैं, काका जी और लोगों को बुलाकर लाते हैं। ये जो जैसे आपने नाटक को लिखा जी, आपने ही लिखा? हाँ, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप में लेखन क्षमता भी है? अब कोई चीज इतना जिसे किसी ने की जी,
अब वो तो समझने वाला है, समझ सकता है, लेकिन मेरे को खुद को तो ये नहीं कि मेरे में लेखन क्षमता है। नहीं, आपने किया ना ये, लेकिन जब उन्होंने कहा तो और उसको स्टेज भी कराया। हाँ हाँ, स्टेज कराया बहुत अच्छे से, मतलब लोगों ने पसंद भी काफी किया। पसंद किया, और फिर उसके बाद में रेगुलर कई बार किए मैंने, फिर तो टाइगर का भी किया। अच्छा। हाँ, टाइगर की वर्दी मंगाई, टाइगर का किया, पपिट शो के माध्यम से किया। अच्छा। तो ये जो थे अपने सूरज नेगी साहब टोंक में थे, फिर ये मालपुरा में चले गए। हाँ, एसडीएम साहब थे। एसडीएम साहब थे, तो एसडीएम साहब ने फिर मालपुरा में बुलाया, वहाँ प्रोग्राम किया, तो ये सर्टिफिकेट वहीं दिया था। अच्छा, अच्छा। तो फिर एसडीएम साहब ने क्या, पहले कुछ पाती लिख रहे थे वो। हाँ हाँ, बच्चे की पाती, माँ के नाम, ठीक है। हाँ, इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि नूर भाई आपने भी भालू का खेल तमाशा किया है, हम एक पाती लिखवा रहे हैं, पर्यावरण की पाती इंसानों के नाम। हाँ, प्रकृति की पाती इंसानों के नाम, मानव के नाम। तो इसमें अगर आपकी रुचि हो, तो मैंने कहा सर जरूर लिखूंगा मैं। तो फिर मैंने बैठकर सोचा कि अगर अपना भालू, अच्छा, वो बोलने लगे, तो फिर वो अपनी पीड़ा कैसे सुनाएगा, कैसे बताएगा। तो इसमें मैंने वो अपने भालू की पीड़ा, क्या बात है, लिखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है नूर भाई, सारी बातें। इस प्रोग्राम को मैं अब समाप्त करने से पहले एक ऊपर वाले से भी दुआ मांगता हूँ कि सारी अच्छाइयाँ आप में दी हैं मालिक ने, कि कहाँ से आप शुरू किए और अपनी सोच को आज आपने कितना, जिसे कहना चाहिए कि समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए, इतनी सारी बड़ी सोच आपके पास है और लेखन भी किया है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप, क्योंकि अब वो तो सब रहा नहीं बिल्कुल अपने खेल तमाशे, तो लेकिन ये अभी हाथ में है आपके, और निरंतर आपको अनुभव मिल रहे हैं, दुनिया अपने हिसाब से, अपने चश्मे से भी देख रहे हैं आप। तो मैं चाहूँगा कि आप लिखने की ओर अग्रसर हो जाएं, ताकि इसमें क्या, इसमें बहुत गुंजाइश है। जैसे आप बच्चों के लिए ऐसी, जिनका बच्चों का मनोज्ञान उसमें शामिल होता नजर आए और बच्चा कुछ सीख सके, ऐसी रचनाएं भी, बाल कहानियां हैं, बाल कविताएं हैं, और बड़े लोगों के लिए भी लिखा जा सकता है जी। तो मैं ये चाहूँगा आपसे इजाज़त लेने से पहले कि आप इस और भी हों, और फिर हम सानिध्य मिले आपका, आपके संग बातचीत हो जी। तो जन सरोकार मंच को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत और हम आपके आभार जी। नमस्कार। नमस्कार सर।